गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू वुड बी फाइन एट होम एज वेल एज फॉलो द रूल्स ऑफ लॉकडाउन. टुडे आई विल टीच यू अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में आप लोग बताए थे सी प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि जो सी जो एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये जो है कि डेवलप किया गया था अमेरिका के जो लेबोरेटरी है AT&T वेल्स लेबोरेटरी, वहां पे 1972 में किया गया था. और ये जो सी प्रोग्रामिंग है, ये जो डिजाइन किया गया था, लिखा गया था, वो लिखा गया था, उस पर्सन का नाम था डेनिस रिची. और ये जो है बहुत ज्यादा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और ये जो है कि जितने सारे जो लैंग्वेज है जैसे C++, जावा, उन सब सीखने के लिए ये आपका बेस है. अगर ये आपका सी प्रोग्रामिंग आपका अच्छी तरह से आप नहीं सीख पाते हैं तो आगे जो लैंग्वेज है वो सीखने में बहुत ज्यादा आपको कठिनाई होगा. और इसके बाद हम लोग इसमें देख लिए थे कैरेक्टर सेट के बारे में, जो कि इसमें अल्फाबेट्स का यूज होता है, डिजिट का यूज होता है और कुछ स्पेशल सिंबल्स थे. इसके बाद हम लोग देख लिए थे कॉन्स्टेंट के बारे में, देख लिए थे कॉन्स्टेंट. इसके बाद हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स. कॉन्स्टेंट हम बताए थे कि जो जिसका वैल्यू जो फिक्स होता है, और वेरिएबल्स हम जो बताए थे जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता यानी वैरी करता है. और एक हम आपको बताए थे कीवर्ड्स बताए थे कि जो कीवर्ड जो होता है वो कंप्यूटर का जो सी प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर होता है उसका मतलब ऑलरेडी उसको पता होता है. जैसे एग्जांपल में आपको बताए थे कि फॉर होता है, इफ होता है, स्टैटिक होता है, वाइल होता है, एटसेट्रा. तो ये सब जो है कि कीवर्ड्स है. और इसको दूसरा नाम हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड भी बोला जाता है, रिजर्व वर्ड्स. इसके बाद हम लोग देख कुछ रूल्स हैं जो हम लोग प्रैक्टिकल के दौरान देख लेंगे. इसके बाद हम लोग सीखेंगे डेटा टाइप, कि जो डेटा टाइप है वो कितना स्पेस लेता है, जो कि जितने सारे जो डेटा टाइप होते हैं. जैसे जो इंटीजर होता है, ये सब आपका बुक में मेंशन किया हुआ है, आप देख ले, कुछ हम बता दे रहे हैं. जो कि आपका जो स्पेस लेता हो वो 2 byte लेता है, स्पेस इन byte. तो जो इंटीजर होता है और ये 2 होता है, और जो फ्लोट होता है, फ्लोट जो स्पेस करता है वो 4 byte. उसके बाद डबल जो आपका है डेटा टाइप, वो जो ऑक्युपाइज करता है 8 bytes मेमोरी जो है कि ऑक्युपाई करता है. फिर आपका कैरेक्टर जो है वो 1 byte ऑक्युपाइज मेमोरी करता है. इसके अलावा बहुत सारे हैं जो, और ये जो है जनरली जो डेटा टाइप है 16-bit कंप्यूटर के लिए मान्य है. अगर ये जो अगर हम 32-bit कंप्यूटर में जाएंगे तो वही जो इंटीजर है वो लॉन्ग इंटीजर हो जाता है, और ये जो है उसका स्पेस 4 bytes होता है. यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपको डेटा टाइप्स है, तो इसको आप याद कर लेंगे तो आपको आगे जो प्रैक्टिकल करने में कोई परेशानी नहीं होगा. जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्ट है डेटा टाइप बाइट्स, यहाँ पे शॉर्ट इंटीजर 2 bytes, शॉर्ट साइंड इंटीजर 2 bytes, अनसाइंड इंटीजर 2 bytes, लॉन्ग इंटीजर 4 byte, फ्लोट 4 byte, डबल 8 bytes, लॉन्ग डबल 10 bytes, कैरेक्टर 1 byte, साइंड कैरेक्टर 1 byte. तो ये बहुत सारे आपको डेटा आपको दिया हुआ है, इसको आप याद कर लेंगे. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे, सी प्रोग्राम में जो प्रोग्राम बनाएंगे उसको रन कर पाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है, वो आपको ध्यान में रखना होगा. शॉर्टकट कीज जनरली 3 आपका शॉर्टकट कीज है इसमें. तो फर्स्ट है आपका Alt+F9. ये F9 जो क्या करता है, टू कंपाइल यानी
हमको प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है Alt प्लस F9। सेकेंड शॉर्टकट की है CTRL मतलब कंट्रोल प्लस F9। इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो रन करता है, टू रन प्रोग्राम। थर्ड जो शॉर्टकट की है वो है आपका Alt प्लस F5 टू सी आउटपुट, टू सी द आउटपुट। यानी कि हम जो Alt प्लस F5 का इस्तेमाल करके मॉनिटर पे आउटपुट देखने का कार्य करते हैं, टू सी द आउटपुट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, आपका बुक में भी है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको लैब करते समय कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते समय कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जो है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट है आपका ऑपरेटर, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ऑपरेटर्स आर द सिंबल विच ऑपरेट द वैल्यूज और वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस ऑपरेटर टू परफॉर्म एडिशन। कहा कि जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं प्लस माइनस, उसी तरह से इसमें ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो जनरली इसमें 5 टाइप्स के हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे, जिसमें जो फर्स्ट ऑपरेटर्स है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स है उसमें कौन कौन आता है आपका एडिशन या प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलो डिवीजन, जिसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं। तो ये था आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सेकेंड है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आपका क्या क्या है, आपका इक्वल टू है, प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है, स्ट्रेट इक्वल है, डिवीजन इक्वल है, मॉडुलो ऑपरेटर्स है। उसके बाद जो थर्ड ऑपरेटर है आपका वो है आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में देखेंगे हम लोग इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एटसेट्रा, ये सब जो है आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स है। इसके बाद जो फोर ऑपरेटर्स है आपका वो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपका है लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये जनरली 3 टाइप है इसमें, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये सब आपका बुक में मेंशन किया गया, अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप देख सकते हैं, याद कर लेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्कूल में अवेलेबल हो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। एंड 5 नंबर है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स है आपका जनरली 2 सिंबल्स इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड फ्लोर। ये 2 सिंबल का इस्तेमाल करके कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका दिया है C इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट C
greater than 0, question mark 10, clone 10, semicolon. ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, जब आपको हम प्रैक्टिकल करवाएंगे, सिर्फ सी प्रोग्राम करवाएंगे, तो इन सब का इस्तेमाल आपको कराया जाएगा। तो ये हम लोग देखेंगे सी प्रोग्राम के बारे में सीखे। अब जो जनरली जो है सर, इसका प्रोग्राम के माध्यम से आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल में सारा चीज बताया जाएगा, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए कुछ इसका जो एमसीक्यूज है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप, करा कि आपका जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कब डेवलप किया गया था। तो हम फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो डेवलप किया गया था 1972 में डेवलप किया गया था, जो कि यूएसए के एआईटी लैबोरेटरी में किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। तो इसमें फर्स्ट वो जो ऑप्शन है वो गलत हो गया 1970, सेकेंड ऑप्शन 1972, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1972। सेकेंड क्वेश्चन है द वैल्यू 4, 5.6 एंड 7.5 आर वेरिएबल कॉन्स्टेंट स्पेशल सिंबल नॉन ऑफ दिस, करें कि जो ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो सब क्या है आपका। तो हम बताए थे कि जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू वेरी करता है, बट जो कॉन्स्टेंट होता है हमारा उसका फिक्स वैल्यू होता है, जैसे 5, 5.6 ये फिक्स वैल्यू है, चेंज नहीं करता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट। थर्ड नया क्वेश्चन आपका द डेटा टाइप ऑफ फ्लोट टेक्स डैश बाइट मेमोरी स्पेस, तो अभी कुछ देर पहले हम जो कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा टाइप बताए थे, जिसमें तो आपका जो फ्लोट था जैसे शॉर्ट इंटीजर था तो उसका स्पेस 2 bytes था, कैरेक्टर था तो उसका स्पेस 1 byte था, मॉड्यूल डबल था जिसका जो डेटा टाइप स्पेस था वो 8 bytes था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्लोट का आपका 4 bytes मेमोरी, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4 bytes। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द वर्ड्स फोर इफ स्टैटिक वाई एटसेट्रा आर कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स कीवर्ड्स स्पेशल सिंबल्स, कह रहा है कि जो वर्ड है आपका फोर इफ स्टैटिक ये क्या है आपका। तो ये पहले ही हम बताए थे कि ये आपका जैसे कि कीवर्ड्स है, रिजर्व वर्ड्स है, जिसका मतलब सी कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है, तो ये सब आपका कीवर्ड्स हो जाएंगे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन है आपका द ऑपरेटर्स लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल्स आर डैश ऑपरेटर, तो अभी बताए थे जो लेस देन इक्वल्स इक्वल लेस देन आपका यहां पे है, तो ये आपका कौन सा ऑपरेटर है, तो ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। तो इसमें जो सेकेंड जो ऑप्शन हो जाएगा रिलेशनल ऑपरेटर्स वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज यूनिक्स लिनक्स इज स्टिल रिटन इन सी, कह रहा है कि क्या जो मेजर इंपॉर्टेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स यूनिक्स विंडोज ये जो सी प्रोग्राम में लिखा गया है। बिल्कुल सही, हम फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे कि जितने सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं अभी जो विंडोज जो कि मेजर है आपका यूनिक्स लिनक्स वो रिटेन है आपका सी में ही रिटेन है, तो ये सही हो जाएगा ट्रू हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा है वाई इज अ डेटा टाइप इन सी, कह रहा कि वाइल आपका डेटा टाइप इन सी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, वाइल आपका डेटा टाइप नहीं है, ये आपका कीवर्ड्स है, तो सेकेंड आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट द फाइल स्टूडियो डॉट एच इज अ हिडन फाइल, कह रहा है जो फाइल स्टूडियो डॉट एच stdio.h ये जब हम प्रोग्राम बनाते हैं सी में तो इसका इस्तेमाल करते हैं हिडन फाइल्स के रूप में, उसी तरह से stdio.h फिर conio.h ये इस्तेमाल किया जाता है हिडन फाइल के रूप में, तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फोर्थ है द ऑपरेटर्स प्लस माइनस स्ट्रेट आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कह रहा है कि ये जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स है
तो प्लस माइनस नहीं, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर से हम पहले ही बताए हैं, तो ये फोर्थ नंबर आपका गलत हो जाएगा। फाइव को स्टेटमेंट है कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड, करेक्ट, कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका मैच द फ्लोइंग है जो कि आपका ऑपरेटर से रिलेटेड है, तो वो आपको नोट्स में सब मैच किया हुआ उसको आप याद कर लेंगे। इसमें एक तरफ आपका ऑपरेटर्स दिया हुआ है और उसको आपको मैच करना है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एंटिटी हुज वैल्यू वेरीज थ्रू आउट द प्रोग्राम इज कॉल्ड, कह रहा है कि जो सी प्रोग्राम के दौरान जो वैल्यू वेरी करता है, तो वैल्यू वेरी करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, जो वैल्यू वेरी नहीं करता वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कॉन्स्टेंट होता है। तो फर्स्ट में वेरिएबल होगा। सेकेंड द वर्ड स्टैटिक फॉर इफ आर कॉल्ड डैश इन सी, कह रहा है कि जो वर्ड है आपका स्टैटिक फॉर इफ वाइल इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं, तो इसमें कीवर्ड्स हो जाएगा। डेटा टाइप डबल ऑक्यूपाइज डैश बाइट ऑफ मेमोरी, कह रहा है कि जो डेटा टाइप है वो कितना बाइट मेमोरी स्पेस करता है, तो अभी हम लोग डबल के बारे में बताए थे, तो डबल जो है से कि 8 बाइट्स जो है से कि स्टोर करता है, तो इसमें 8 हो जाएगा, 8 बाइट्स मेमोरी स्पेस। फोर्थ है ऑपरेटर्स जो आपको दिया हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर से आपका ये वाला सिंबल दिया हुआ है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेटर्स, तो ये आपका सही, इसमें फील करना है लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो फोर्थ नंबर हो जाएगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। फाइव नंबर क्वेश्चन है द डेटा टाइप कैरेक्टर ऑक्यूपाइज डैश बाइट्स ऑफ मेमोरी, तो कैरेक्टर हम बताए थे कि वो केवल 1 बाइट मेमोरी स्पेस करता है, तो फर्स्ट ये आपका हो जाएगा 1 बाइट। फाइव क्वेश्चन का तो इसका हम लोग जो क्वेश्चन आंसर है वो नोट्स में आपको प्रोवाइड सारा ऐसे करा दिया गया है, वो आप स्कूल से आप प्राप्त करके ले लेंगे और फेयर कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग वो यहाँ पे आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, गुड बाय, बी सेफ, स्टे होम।